अरे मोदी चचा, यहाँ धरना पे क्यों बैठे हो इतनी देर से? अब बताओ, इतनी सारी ट्रक हैं तुम्हारी और यहाँ ट्रक तुम्हारे पीछे देखो कितने सारे खड़े हुए हैं। अब तुम बीच बीच रोड पे धरने पे बैठ गए हो तो हम लोगों के यहाँ पे दूध, राशन और सब्जी कैसे जाएगी ये बताओ? अब धरने पे तुम बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो इतनी देर से। आखिर ये धरना क्यों लगा के बैठे हो? क्या बात है, कौन सा कानून पास हो गया जो बिल्कुल हड़कंप मचा दिया तुमने? बताओ, रोडों पे ट्रक खड़ा करके तुम रास्ते में बैठ गए हो, ना तो कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, ना जाने की दिक्कत हो रही है। कहीं खाना वाना हम लोग कैसे खाएंगे? जरा बताओ मोदी साहब, ये क्या कैसा कानून है? मुझे अभी तक तो पता ही नहीं चला। अरे योगी जी, बात कुछ ऐसी है कि अभी एक मोदी जी, हम बता रहे, मेरा नाम मोदी चचा है, तो यहाँ पे ये अमित शाह जी ने कुछ ऐसा कानून बोल दिया जो यहाँ पे ड्राइवर बिल्कुल भड़के हुए हैं। पता नहीं ये क्या क्या कर देते हैं कभी कभी। अब बताऊँ, ड्राइवर कह रहे हम सजा काट लेंगे, तो कैसे काट लेंगे बताओ? हमको 7 लाख जुर्माना हम कहाँ से भरेंगे? इसीलिए ये ट्रक खड़ा कर दिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ खड़ा कर दूंगा तो कम से कम 7 लाख रुपए हमारे बच जाएंगे। अब बताओ अमित शाह जी, ये कानून कैसा लागू किया बताओ? हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी कभी हमारी गलती रहती है, कभी कभी हमारी गलती ना होने पर भी हमको सजा मिलेगी। अब बताओ, इतना कोहरा पड़ रहा है ठंडी में, अगर गाड़ी चलाएं दिखाई नहीं देता है कोई आकर अपने आप ही। अरे कोई ड्राइवर अपने आप थोड़ी चढ़ा देगा किसी के ऊपर, एक्सीडेंट कर देगा। अरे एक्सीडेंट तो कोई ड्राइवर जानबूझकर थोड़ी करता है। अमित शाह जी कुछ करो तुम। अरे क्या हुआ मोदी चाचा, तुम लोग तो मेरा सोना हराम कर रखे हो बताओ। ये तुम हड़कंप 3-2 दिन से मचा रखे हो, अभी भी तुम थमने का हाथ नहीं ले रहे हो। अरे थोड़ा सोचने समझने तो दो मुझको। पहले ही तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के धरना पे बैठ गए। चलो भाई लोग, वीडियो लाइक करो, चैनल